हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आ चुका हूं आपके सामने एक राइड रिव्यू लेके, आज अपने सारे ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X। तो आज की वीडियो सिर्फ राइड रिव्यू के ऊपर होने वाला है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं प्रॉपर वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलाते हुए बात करते हैं। इसके फीचर्स के बारे में बात करूंगा, फीचर के बारे में बताऊंगा, प्राइस के बारे में बताऊंगा, माइलेज के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें आपको सेटिंग कंफर्ट लेवल कैसा आता है, सबके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये की तो स्टार्ट ही है। देखो सबसे पहले की देख लो, आपको ट्रैम का एक लोगो मिल जाता है, वेब बाइट की मिल जाता है। की को यहाँ स्टार्ट करते हैं। एनालॉग और स्पीडोमीटर का आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, चलाते हुए बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वाओ भाई, चलाते से जो आवाज़ आ रहा है ना यार, गजब। एक बार आप सुनो फिर आप बताना। अभी चलते हैं। वाओ पावर तो सुपर है यार, सुपर। मतलब मत पूछो, पावर तो इतना है कि आपको रोक रोक के चलाना पड़ेगा, ऐसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका सीटिंग कंफर्ट लेवल कैसा आ रहा है। देखो ये स्क्रैम्बल 400 का सीट हाइट थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। कितना रखा गया है? 835 mm सीट हाइट रखा गया है। तो आपका हाइट ना थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 5.7 हो गए ना, तो इस बाइक को आप कंफर्टेबल तरीके से चला सकते हो। तो ये थोड़ा सा हाइट ज़्यादा वालों के लिए बनाया गया है, ध्यान में रख के बनाया गया है। मेरा हाइट 6 फीट है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से इस पर आ जा रहा हूँ। और हैंडलिंग वगैरह इसमें आपको अच्छा मिल रहा है। देखो हैंडल पर ना एकदम अच्छा ग्रिप आ रहा है, मतलब आपको हैंडल मतलब ज़्यादा ऐसा, मतलब एक बैठोगे ना तो मतलब क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ एक सोफे में बैठा हो, आराम से ऐसा फील आ रहा है। मतलब इस टाइप का फील यहाँ पे आपको इसमें मिलने वाला है। देखो स्पीड तो बहुत है। पावर वगैरह के बारे में लगे हाथ बात कर लेते हैं। आपको पता है 400cc का बाइक है, 398.15cc का लिक्विड कूल इंजन मिलता है, 4 वाल्व वाला इंजन मिलता है, सिंगल सिलेंडर FI इंजन मिलता है। और इसमें पावर आपको अच्छा मिलता है, 40 PS का मैक्सिमम पावर मिल जाता है 8000 RPM पे, और 37.5 Nm का टॉर्क मिल रहा है इसमें आपको 6500 RPM पे। तो पावर और टॉर्क ना इस बाइक में आपको एकदम कम नहीं लगेगा। थोड़ा सा स्पीड लेके चलाते हैं। देखो आपको पांचवा गियर लगा हुआ मिल रहा है। देखो ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है, छोटा सा बेसिक सा चीज़ है गियर पोजीशन इंडिकेटर, पर ये होना चाहिए बाइक में। इससे पता लगता है कि कौन से आप गियर में लगाए हो। जैसे पांचवे गियर पे आपको इतना मिल जा रहा है कि छठे गियर तक जाने की नौबत आपको आएगी नहीं। जैसे मैं छठा गियर लगाया भाई साहब, सिटी में तो आपको छठा गियर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खासकर इस भीड़ भाड़ में आप पाँचवे गियर पर भी आराम से चला लोगे। छठे गियर के लिए आपको यहाँ पर हाईवे वगैरह खाली वगैरह जगह पर जाओगे ना, ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे तो थोड़ा ज़्यादा जाओगे लंबा टूर पर, तो वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पे पावर और टॉर्क आपको एकदम कम नहीं लग रहा है, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसा कि आपको पता है ड्यूल चेल ABS आता है, तो ABS तो सेफ्टी आपका इन्हेंस कर ही दे रहा है। और बड़ा सा डिस्प्ले मिल रहा है आपको, फ्रंट में 320 mm का डिस्प्ले मिल रहा है, और आगे जो डिस्प्ले है ना वहाँ पर जो पिस्टन लगाए गए ना, 4 कैलिपर पिस्टन लगाए गए, रेडियल कैलिपर पिस्टन लगाए गए। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, पर इससे एक सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे तो इससे आपका ब्रेकिंग बहुत अच्छा लगने वाला है, अच्छा रहने वाला है। आगे यहाँ ब्रेक लगा के भी देखते हैं। अभी पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। चलो देखो एकदम स्किट नहीं करेगा, बहुत अच्छा ब्रेकिंग लग रहा है। अभी मैंने पूरा लगाया नहीं, ठीक है। पीछे से एक ऑटो आ रहा था। और भाई इसका देखो पिकअप कितना अच्छा है, थर्ड गियर पे भी अच्छे से उठा रहा है। पिकअप वगैरह इसमें आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। पावर ऑफ पिकअप टॉर्क से ना इसमें आपको एकदम कम नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अभी यहाँ बात कर लेते हैं, पावर की बात हमने कर ली, अभी यहाँ पे लगे हाथ बात कर लेते हैं कि मतलब इसमें आपको माइलेज क्या मिलने वाला है। देखो तो ये 400cc का बाइक है, मतलब 398.something cc का बाइक है, लेकिन फिर भी इसको माइलेज अच्छा मिल जाएगा। अराउंड आपको 30 KMPL का माइलेज मिल जाएगा। तो माइलेज वगैरह देखा जाए ना तो माइलेज मुझे इसमें अच्छा लग रहा है। अभी बात कर लेते हैं। देखो पावर हो गया है यहाँ पे, आपको माइलेज हो गया है यहाँ पे, कंफर्ट लेवल वगैरह कैसा है। तो फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे एनालॉग आपको स्पीडोमीटर मिल जा रहा है, और बाकी यहाँ पे डिजिटल पार्ट वगैरह मिल रहा है। डिजिटल पार्ट में आपको टैकोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर वगैरह मिल रहा है, और टॉगल करने के लिए आपको स्विच गियर से यहाँ पे टॉगल होता है। अभी मैं यू टर्न एक बार ले कर देखता हूँ। देखो ये यहाँ पे आपको, मैंने यू टर्न लिया ना तो आपने नोटिस किया होगा, वैसे तो बड़ा बाइक है लेकिन आपको घुमाने में दिक्कत नहीं होगी, पैर नीचे रखने की थोड़ा भी ज़रूरत नहीं पड़े, आराम से आप यू टर्न वगैरह ले सकते हो।
तो देखा जाए तो सिटी वगैरह में भी आप इसको चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि स्क्रैम्बल है तो आप सिटी में चला नहीं सकते, आराम से सिटी में इसको चला सकते हो और आपका हाइट अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हो और थोड़ा सीटिंग कंफर्टेबल भी, बहुत थोड़ा ऊंचा टाइप लग रहा है ना तो बहुत अच्छा लग रहा है मतलब चलाने वगैरह में। देखो ये मैं फील आपको वर्ड में शायद एक्सप्लेन करके नहीं बता पाऊँगा लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जब मैं बता रहा था तो टैकोमीटर मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है डिजिटल पार्ट, इसको अगर आपको टॉगल करना हो तो यहाँ पे आपको बटन मिलता है ये स्विच गियर के पास इन्फो का, इससे आप टॉगल वगैरह कर सकते हो। देखो यहाँ पे ओडोमीटर किलोमीटर ये सब आपको इसमें मिल रहा है, तो यहाँ टॉगल बटन मिल जाता है। देखो यहाँ पे आपको ये अपर बीम का लाइट मिल जाता है, यहाँ 65 का स्विच मिलता है। भाई साहब RX100 ये बंदा मुझसे रेस करना चाह रहा है, मैं पीछे से नोटिस कर रहा हूँ, कह चोरो उसको। अभी देखो यहाँ पे ये लोअर बीम का लाइट मिल जाता है, यहाँ पे आपको ये DRL का स्विच मिल जाता है, इन्फो का बता दिया, टर्न इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, एक हॉर्न का स्विच मिल जाता है जो कि अच्छा है, यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है और यहाँ आपको हज़ार्ड लाइट का मिल जाता है, तो हज़ार्ड लाइट का भी आपको यहाँ पे स्विच मिल जाता है। देखो मिरर वगैरह आपको पता है स्पीड में जैसे यहाँ मिरर मिलता है, पर ये अलग से मिरर इसमें लगता है, नकल गार्ड्स वगैरह आपको इसमें लगाए हुए मिल जाते हैं, सब ऑल LED लाइट्स है, मतलब LED आगे भी है पीछे भी है, टर्न इंडिकेटर वगैरह आपको सब LED ब्लिंकर्स वगैरह मिल जाते हैं। टैंक देख लो बहुत ऐसा ग्लोसी इसका एक फिनिश दिया गया है, E20 वाला स्टिकर जो लगाया गया है, आपको पता है E20 एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का अपडेट आ गया है, सब कुछ सब लगभग सब बाइक में आ गया है, पेट्रोल नहीं आया यार, पेट्रोल कब आएगा ये नहीं पता, पर सब कुछ अपडेट वगैरह आ गया है। चलो ये छोटा सा रिव्यू था, सबसे पहले मैं बता देता हूँ इतना फीचर होने के बाद इसमें आपको प्राइस क्या रखा गया है। देखो इसका ऑनर प्राइस पुणे में 3,25,000 के अराउंड रखा गया है। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं अपना सिटी का नाम कमेंट सकते हैं, बताओगे तो मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप ट्रम्प का कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो व्यू भंडारी ट्रम्प चिंचवड़ में आप विजिट कर सकते हैं, शोरूम के सारे डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर विथ मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप चाहें तो फ़ोन पे अपनी बुकिंग ले सकते हैं या शोरूम में विजिट कर सकते हैं। देखो तो छोटा सा राइड रिव्यू था, राइड रिव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे प्रॉपर वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करो, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।